देश की अर्थव्यवस्था में लोगों और संस्थाओं का विश्वास और अपेक्षाओं का दौर जारी। भारत बना वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रकाश पुंज। सरकार साहस, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ले रही है नीतिगत निर्णय। सरकार की पहल से करोड़ों देशवासी औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बने। बिना बैंक गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन, सरकार ने ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। राष्ट्र के प्रति दायित्व को निभाने में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की भूमिका है काफी अहम। वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए हमें एक और स्पर्धा रखनी होगी। ये सिर्फ भारतीय कुटीर उद्योग से चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा बड़ा है, वरना हम तो दिवाली के दीयों में ही अटक जाते हैं। हमें देखना होगा कैसे कौन से क्षेत्र हैं जहां हम भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग करके देश का पैसा बचा सकते हैं। दुनिया में भारत के पास मजबूत वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली है। देश के निजी सेक्टर को निवेश करने के लिए सरकार की तरफ से मिल रहा है लगातार प्रोत्साहन। अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो कई स्कीम है जो पिछले कई सालों में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, पीएम जेडीवाई या अटल पेंशन योजना हो, या प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना या स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऐसे कई कई स्कीम है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तरह से ये जो निचले वाले वर्ग के जो फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर थे उनको इंक्लूड करने में एक बहुत बड़ी सहायता करते हैं। हमारी दो मांगे थी, एक कि इकोनॉमी में और गवर्नमेंट और पैसा खर्चा करे, वो उन्होंने किया है। उन्होंने अपना 33% इंक्रीज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही चाहिए हमारे को, क्योंकि ग्रोथ ड्राइवर गवर्नमेंट को होना बहुत ज़रूरी है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर गति शक्ति के कॉन्सेप्ट में। देश का उद्योग 4.0 पूरी दुनिया के लिए आदर्श बना। रुपए और यूपीआई ने दुनिया में भारत की पहचान को कायम किया। अमृतकाल के लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ देश तेजी से बढ़ रहा है आगे।